मोटोरोला डिशवाशर को इंस्टॉल करने से पहले टैप में एक अडॉप्टर लगेगा जो आप इस वीडियो में देखेंगे। ये अडॉप्टर सेम उसी तरीके से दिखता है जैसे हमारा वॉशिंग मशीन में लगाते हैं उसी तरीके का, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसके नीचे की तरफ चूड़िया बनी होती है, यानी कि इसके अंदर आप देखेंगे नीचे की साइड में थोड़ा डिज़ाइन अलग है। ये वॉशिंग मशीन की तरह नहीं है, उससे थोड़ा अलग है। तो इसके अंदर आप नीचे देखेंगे थ्रेड्स बनी होती हैं, यानी कि इसमें जो है चूड़िया बनी होती हैं जिससे वो जो इसका इनलेट पाइप है वो इसमें फिक्स हो जाता है आसानी से। पहले सबसे पहले चारों स्क्रू इसको टाइट करेंगे, सेम जैसे हम वॉशिंग मशीन के लिए अडॉप्टर को लगाते हैं, चारों स्क्रूज़ को बराबर बराबर टाइट कर लेंगे जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। चारों तरफ से हमने इसको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से टाइट करना है। उसके बाद देखेंगे इसके जो नीचे वाला स्पेस है उसको भी टाइट करना है वापस, मतलब टैप को आपने जो जॉइंट लगाया उसको ऊपर से पकड़ लीजिए, फिर नीचे से उसको पूरा टाइट कर दीजिए। देन उसके बाद इसमें जो पाइप आपको डिशवाशर के साथ मिलेगा, देखेंगे इसमें भी थ्रेड्स बना हुआ है। ये देखिए इसको अंदर की तरफ देख रहे हैं, थ्रेड्स हैं इसमें भी। तो इसके बाद इसको आपने स्क्रू की तरह टाइट कर देना है। तो ये अडॉप्टर जो है इसके साथ लगाना होगा और ये जो ड्रेन पाइप है इसमें लग जाएगा। आप चाहें तो इसमें इस तरीके का टैप भी सजेस्ट कर सकते हैं कस्टमर को जिसमें इस तरीके का थ्रेड्स बना होता है। आजकल वो टैप भी मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, तो अगर वो टैप भी रहेगा तो ये ड्रेन जो इसका इनलेट पाइप है वो डायरेक्टली टैप में भी जुड़ जाता है अडॉप्टर के बगैर भी। दोनों ऑप्शंस हैं हमारे पास, या तो हम इसमें ये अडॉप्टर साथ में लगाएं इसके जिससे कि ये जो इसका इनलेट पाइप है वो हम टैप में आसानी से लगा सकते हैं, या टैप में ही थ्रेड होगा तो ये इनलेट पाइप जो है डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है टैप के साथ। थैंक यू।